मैचमेकर्स का एपिसोड एक जोसियन मैचमेकर्स पर एक प्रस्तावना के साथ शुरू होता है। वे वैवाहिक संबंधों को पहचान सकते हैं, दुर्लभ है और अनजाने में लोगों से मेल भी खा सकते हैं। दयासलाय बनाने वाले भी अल्प जीवन जीते हैं और अधिकतर विधवा होते हैं। जंग सून देव एक 27 साल की है और वामपंथी राज्य मंत्री जो की दूसरी बहू है। वह एक सफल मैचमेकर के रूप में दोहरी जिंदगी जीती है क्योंकि उसमें भाग्य को पहचानने की क्षमता है। उसके गारंटीकृत परिणामों के लिए उसे येवजुडेक कहा जाता है। फिर हमारे पास नेक, चतुर और दृढ़ शिरम जंग वो हैं जो राज्य परीक्षा में एक रैंक पाने वाले सबसे कम उम्र के हैं और मुख्य राज्य मंत्री बनने का सपना देखते हैं। उसके सपने चकनाचूर हो जाते हैं क्योंकि राजकुमारी उससे प्रेम करने लगती है और एक राजकुमार सार्वजनिक पद नहीं ले सकता। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए राजकुमारी की उनके विवाह समारोह के बीच में ही मृत्यु हो जाती है। अब प्रिंस ग्यो के नाम से जाने जाने वाले जंगवू पुनर्विवाह नहीं कर सकते या रखेल नहीं रख सकते। बाद में इसे घटाकर 8 वर्ष कर दिया जाता है। शहर के मैचमेकर्स आश्चर्यचकित हैं कि क्या विवाह पर रोक अंततः लगेगी। ये क्राउन प्रिंस द्वारा अपनी पत्नी चुनने तक एक अस्थायी विवाह प्रतिबंध है, लेकिन कोई भी चुना जाना नहीं चाहता क्योंकि क्राउन प्रिंस की मृत्यु निश्चित है और वह अपनी पत्नी को विधवा बना देगा। हालांकि सून देवे का मानना है कि कोई निषेध नहीं होगा। अदालत एक कुवारी भूत की कहानी के कारण विवाह निषेध को रद्द करने की कोशिश कर रही है, जिससे नाराजगी पैदा हो रही है। राजा उनकी चाल को समझ जाता है क्योंकि वह जानता है कि वे क्राउन प्रिंस को शादी नहीं करने देंगे और एक वारिस पैदा नहीं करने देंगे क्योंकि वामपंथी राज्य मंत्री जो के नेतृत्व में मंत्री दूसरे राजकुमार का समर्थन कर रहे हैं, जहां जो अगले साल से पहले क्राउन प्रिंस से छुटकारा पाने पर तुला हुआ है, वहीं किंग इसी साल उससे शादी करने की योजना बना रहा है। समाधान रानी की ओर से आता है जो द रेजेंटफुल मैन उर्फ जंग वू से पूछने का सुझाव देती है। हर कोई उससे डरता है और उसका आदर करता है। वह अपनी विधुर स्थिति से बाहर निकलने के लिए 8 वर्षों से लगातार एक याचिका पत्र पर काम कर रहे हैं और खामियों से बाहर निकलने की अपनी तलाश में उसने सभी नियमों और विनियमों को याद कर लिया है जिनका उपयोग वह अक्षम अधिकारियों को बर्खास्त करने के लिए करता है। मुख्य शाही सचिव ने राजा के सामने स्वीकार किया कि जंग वू जो कि डोंगनो पार्टी का हिस्सा है और वही है जो कुवारी भूत की कहानी लेकर आया है। वह जंग वू से क्राउन प्रिंस की शादी में मदद करने के लिए कहने का सुझाव देता है। यदि वह विफल रहता है तो ये डोंगनो पार्टी के प्रभाव को प्रभावित करेगा जो कि राजा के लिए फायदे का सौदा है। इस बीच सोंग और ली परिवारों के बीच पहले से ही व्यवस्थित मिलन में मध्यस्थता करने के लिए सून देवे को लाया जाता है। ये देखकर कि बेटी किसी और से प्यार करती है और ये तथ्य कि दोनों परिवारों में नियंत्रण रखने वाली माँ है, वह फर्जी कारणों से शादी तोड़ देती है। वह मैच की पुष्टि करने में अर्जित धन खो देती है, लेकिन उसका मानना है कि यह जोड़ी दुखी रही होगी। जंग वो बाहर टहल रहा है, जब महिलाएं उसे देखती हैं तो उसकी छाती में दर्द होने लगता है। वह एक पंखे के पीछे छिपने का फैसला करता है, लेकिन सून देवेक से टकरा जाता है। एक डिलीवरी बॉय उससे टकराने ही वाला था, लेकिन वह उसे बचा लेती है और अपनी बाहों में पकड़ लेती है। उसके जाने से पहले उनकी आंखें बंद हो जाती हैं और वह स्तब्ध रह जाता है। जंग वू फिर अपने सामान्य पुस्तक विक्रेता के पास जाता है, जब उसे गलती से एक कामुक किताब मिल जाती है। वह जिज्ञासु है और जब वह पढ़ता है तो वह अपने पति के साथ सून देवे की कल्पना करता है। वह तब तक शर्माना शुरू कर देता है जब तक कि पुस्तक विक्रेता उसे रोक नहीं देता। वह दिखावा करता है कि किताब कुलीनता का मजाक उड़ा रही है और उसे यह जांचने के लिए आगे पढ़ना चाहिए कि क्या इसमें रिपोर्ट करने के लिए कुछ आपत्तिजनक है। सून देवेक आता है और पुस्तक विक्रेता भाग जाता है। जंग वू और सून देवेक तकनीकी बातों पर बहस करते हैं और वह पुस्तक का बचाव करने के लिए उससे व्यक्तिगत विवरण की मांग करते हैं। उसे यह चिढ़ाकर कि उसे उससे प्यार हो गया है, उसे उसके साथ भागने का मौका मिलता है। वह अपने परिचारक और बोंग को उसके पीछे दौड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन थके होने के कारण उसे डांटता है। ओबोंग का सुझाव है कि वह नींद में है क्योंकि वह नवविवाहित है, लेकिन जंग वू को कुछ पता नहीं है।
जैसे ही बोंग अपनी पत्नी के साथ रात्रिकालीन संबंधों का संकेत देता है, जंग बू की छाती फिर से दर्द करने लगती है। सून देव एक ग्राहक को किताब देता है जो सोचता है कि क्या लेखक हवा रोक एक सांसारिक विद्वान है। सून देव का दावा है कि उसने उसे पाला पोसा और यह हवा रोक की ओर ले जाता है जो एक पुरुष के वेश में एक महिला है जो बेतरतीब ढंग से सही एरोटिका लिखने की कोशिश कर रही है। सून डेवेक को एहसास होता है कि उसे देर हो गई है और वह अपना मेकअप हटाकर और अपना पहनावा बदलते हुए घर भाग जाती है। वह दीवार फांदकर अंदर घुस जाती है जबकि घर की मैडम को उसके ठिकाने के बारे में संदेह होता है। उसकी भाभी ये जिन उसकी रक्षा करने की कोशिश करती है लेकिन वे सून डेवेक को सोते हुए पाते हैं। वह कहती है कि वह अपने ससुर और पति के लिए कपड़े बना रही थी लेकिन चूंकि वह बीमार है इसलिए उसकी मौत हो गई। बाहर जो कि पत्नी मैडम अपनी बेटी ये जिनकी आसम शादी पर चर्चा करती है। इस बीच ये जिनको सून देव की चिंता होती है वह सोचती है कि वह एक मामूली नौकरी के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालती है। सून देवेक का कहना है कि इससे उसे संतुष्टि मिलती है और ये जिन ये कहकर आगे बढ़ जाती है कि उसे अपनी शादी तोड़ने में उसकी मदद की जरूरत है। दूल्हा एक खिलाड़ी है और अगर सून देवेक उसकी मदद नहीं करता है तो वह अपनी माँ को सून देवेक के रहस्य के बारे में बताएगी। जहाँ तक बेचारे जंग वू की बात है तो वह कामुकता से घबरा कर बड़प्पन का मजाक उड़ाने के लिए इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक याचिका लिखने का फैसला करता है। लेकिन हर बार जब वह सून देवेक का जिक्र करता है तो उसकी छाती में दर्द होता है और वह पत्र को खराब करता रहता है। वह डॉक्टर के पास जाता है जो सोचता है कि यह उसके अनुभव के साथ उसके दृढ़ विश्वासों के टकराव के कारण है। सून देवेक और हवा रोग किताब की दुकान में अगली कड़ी पर चर्चा कर रहे हैं तभी जंग वो अचानक आ जाता है और उससे मिलने की मांग करता है। सून डेवेक का अनुमान है कि जंग वू सिर्फ किताब पढ़ना चाहता है और मिलने के लिए सहमत है। वह उसे किताब देने ही वाली थी कि अचानक उसने घोषणा की कि वह उससे प्यार करता है। जंग वू सहित हर कोई अवाक है। वह कहता है कि उसने गलत बातें की और स्पष्ट करना चाहता है कि वह उससे प्यार नहीं करता। सून डेवेक ने उससे न जुड़ने का फैसला किया क्योंकि वह अनोखा है। वह तुरंत माफी मांगती है और कहती है कि वह कभी उसके सामने नहीं आएगी और भाग जाती है। जब शाही रक्षकों ने अचानक उसे गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया तो वह उसकी अत्यधिक प्रतिक्रिया से नाराज हो गया। राजा इस बहाने से सामने आता है कि जंग वू अपनी शादी की याचिकाओं के साथ शाही परंपरा का मजाक उड़ा रहा है। जंग वू इस तर्क से छुटकारा पाने की कोशिश करता है कि राजकुमारी के साथ उसका विवाह संस्कार अमान्य है। राजा नाराज है क्योंकि वह बताता है कि कैसे जंग वू ने क्राउन प्रिंस की शादी को रोकने के लिए इसी तरह की धूर्त रणनीति का इस्तेमाल किया था। वह उसे दंडित करने का फैसला करता है और द मैचमेकर्स एपिसोड 1 के अंत में वह जंग वू को जहर पीने के लिए